एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धावक की मौत हो गई और मैराथन के दौरान ही दौड़ने वाला जो धावक था उसकी मौत हो गई। निजी कंपनी के मैनेजर की यह मौत हुई है। नवा रायपुर में मैराथन का आयोजन किया गया था और इसी दौरान इस मैराथन में हिस्सा लेने वाला निजी कंपनी का मैनेजर जो है उसकी मौत हो गई। मैराथन चल रही थी और इसी दौरान दम तोड़ दिया। ये बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। मैराथन का आज आयोजन किया गया था और इसी मैराथन में एक निजी कंपनी के मैनेजर ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और इस मैराथन को दौड़ने के दौरान ही नवा रायपुर में इस मैनेजर की मौत हो गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मैराथन के दौरान मौत हो जाती है। नवा रायपुर में मैराथन का आयोजन किया गया था। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज इतवार का दिन और कई जगहों पर इस प्रकार के आयोजन होते हैं। इसी प्रकार का आयोजन नवा रायपुर में किया गया था जहां पर एक निजी कंपनी का मैनेजर जो है वो भी इस मैराथन में उसने भी रजिस्ट्रेशन कराया था और सैकड़ों की संख्या में लोग इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान ये हादसा पेश आया और इस शख्स की मौत हो गई। संभवतः तबीयत बिगड़ने की वजह से, और चूंकि सर्दी का समय है और ऐसे में मैराथन के दौरान दौड़ के दौरान इस शख्स की मौत हो जाना अपने आप में ये जो उत्साह था उसमें खलल भी पड़ गया और सभी लोगों का उत्साह धरा का धरा रह गया। एक बेहद दुखद घटना यहाँ पर सामने आई। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। युगल, जानकारी दें इस खबर के बारे में। टिप्पणी देखिए, बिल्कुल दुखद खबर इसे कही जा सकती है और जागरूकता को लिए लेट्स रन छत्तीसगढ़ द्वारा द ग्रेट रन छत्तीसगढ़ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और पेशे से इंजीनियर था ये और जो गजानंद इंगले है, और अचानक लगभग 6 किलोमीटर की दूरी जब तय इसने की उसके बाद PHQ जो पुलिस मुख्यालय है उसी के सामने अचानक गस खाकर गिर गया। और चूंकि मैराथन पे उस समय मौके पर कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था, आनंद फानन में उसे भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग जो अन्य लोग थे वहां पे उन्हें CPR देने की कोशिश की, लेकिन उनका जो दुखद निधन है वो हो गया है। और फिलहाल पुलिस है, राखी थाना पुलिस है, पूरे मामले की जांच कर रही है और PM के लिए शव को भेजा गया है और PM रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर मौत की वजह क्या है। जी पुलिस, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही। फिलहाल जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओम माथुर से CM साय की मुलाकात हुई है। BJP प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर और उनसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। उनके साथ 2 डिप्टी CM भी मौजूद रहे और इनके साथ ही प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए हैं राम विचार नेता वे भी मौजूद रहे हैं। तो ये मुलाकात ऐसे वक्त में बेहद अहम हो जाती है जब कैबिनेट गठन का इंतजार किया जा रहा हो, और इंतजार अभी हो ही रहा है और माना यह जा रहा है कि दिल्ली में मंथन भी होगा। और इस दौरान प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो रहे हैं जिनके अगुवाई में ही BJP ने जीत दर्ज की छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में एक सौजन्य भेंट भी और साथ ही साथ आगे किस प्रकार से काम करना है और किसे किसे साथ में टीम में रखना है इसको लेकर भी संभवतः मंथन जरूर हुआ होगा नेताओं के बीच में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ओम माथुर से CM साय विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई है। BJP प्रदेश प्रभारी से 2 डिप्टी CM प्रदेश के जो अरुण साव और साथ ही साथ विजय शर्मा वे भी मौजूद रहे। प्रोटेम स्पीकर भी इस दौरान उनके साथ नजर आए। तो आपको याद दिला दें कि पूछा गया था जब प्रदेश का मुखिया कौन होगा इसको लेकर जब सवाल किया गया था और जब नाम का ऐलान हो गया था तब प्रदेश प्रभारी से सवाल किया गया था, ओम माथुर से सवाल किया गया था कि टीम में किसे किसे जगह मिलेगी आपको तो पता होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं पत्ते अभी नहीं खोलने वाला। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ओम माथुर से CM साय की मुलाकात हुई और BJP प्रदेश प्रभारी से CM साय भी मिले। 2 डिप्टी CM उनके साथ मौजूद रहे। प्रोटेम स्पीकर जिन्होंने आज ही शपथ ली है राम विचार नेताम वे भी दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली में दरअसल नेताओं से मुलाकात का सिलसिला
जाहिर सी बात है कि चलना है, क्योंकि पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद आला नेताओं से मुलाकात का दौर भी चलेगा और साथ ही साथ टीम भी तैयार करनी है। और 13 की कुल टीम छत्तीसगढ़ में हो सकती है, 3 तो एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम हो चुके हैं। और ऐसे में 2024 को मद्देनजर रखते हुए मंत्रिमंडल का भी गठन करना है और 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब किस किस को इसमें लेना है, ये एक बड़ी एक्सरसाइज जो है वो राजनीतिक एक्सरसाइज पार्टी को करनी है। और मैहर के भैंसासुर गांव से 65 साल के बुजुर्ग के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज आप जरा देखिए, बताया ये जा रहा है कि आरोपियों ने फिरौती की मांग परिजनों से की है, लेकिन इसका खुलासा ना तो पुलिस ने किया है और ना ही परिजन इस मामले में कुछ कह रहे हैं। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज जरूर मिला है जिसमें एक कार को जरूर चिन्हित किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इसी कार का इस्तेमाल किडनैपिंग के काम में किया गया, बुजुर्गों को अगवा करने में किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि पुलिस एक तरफ कह रही कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दूसरी तरफ आरोपियों पर पुलिस के द्वारा इनाम की घोषणा करना, ये क्या बता रहा है? क्या पुलिस के हाथ अब तक खाली है? पुलिस के पास कोई सुराग अभी तक नहीं है, हालांकि एक सुराग के तौर पर सीसीटीवी फुटेज पुलिस को जरूर हाथ लगा है। सतना जिले के सुहावल से लापता हुई 2 बच्चियों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बरामद किया है। ये दोनों बच्चियां रिश्तेदार के घर पर मिली हैं। सुहावल से दोनों नाबालिग बच्चियां रहस्यमय तरीके से लापता हुई थी। इसके बाद एक अनजान नंबर से फोन आया और अपहरण की सूचना भी तेजी से फैल गई। शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनी यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शरीक हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री का अनोखे और भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का फूलों से स्वागत किया गया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे तो आप देख सकते हैं, तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे जब अपने ही संसदीय क्षेत्र, जब वे वहां पहुंचे और अक्सर जाते हैं तो वहां पर देख सकते हैं कि सड़क के एक तरफ लोगों का मजमा लगा रहा अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने सांसद को देखने के लिए। और यहां देख सकते हैं कि देखिए यहां पर मंत्रोच्चार हो रहा है और भगवा वस्त्रों में लोग यहां पर मौजूद हैं जिनके हाथों में फूल हैं और मंत्रोच्चार के साथ ही उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी यहां पर की गई। वाराणसी उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ भी पीएम का वेलकम यहां पर किया गया। 2 दिनों तक का उनका ये दौरा है और काशी में महासंगम ये हो रहा है। पीएम का ये भव्य स्वागत यहां पर देखने को मिला। वैसे एक खास बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री का जब काफिला यहां से गुजरा था, इसी दौरान इमरजेंसी भी थी और एक एम्बुलेंस यहां से गुजर रही थी और प्रधानमंत्री के काफिले ने उस एम्बुलेंस को रास्ता भी दिया। लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे थे तो उनका जोरदार स्वागत किस अंदाज में किया गया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कतारबद्ध होकर खड़े हुए बटुक ब्राह्मण जो हैं वे भगवा वस्त्रों में हाथों में फूल लिए मंत्रोच्चार भी कर रहे थे और साथ ही साथ पुष्प वर्षा भी कर रहे थे। ऋषि कुमार
ये कहलाते हैं और ऋषि कुमारों ने पीएम का ऐसा जोरदार स्वागत किया जो वाकई में अद्भुत रहा और साथ ही साथ आम लोग भी अपने प्रिय सांसद और प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया और कुछ इस अंदाज में उनका जोरदार स्वागत वाराणसी पहुंचने पर किया गया। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए और साथ ही साथ ऋषि कुमार ब्राह्मण बटुक जो हैं वे यहां पर शंखनाद करते हुए मंत्रोच्चार करते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रहे थे। साथ ही साथ मंत्रों की गूंज भी यहां पर सुनाई दे रही थी और ये अपने आप में अद्भुत है, विहंगम नजारा है। ये सनातनी परंपरा का हिस्सा है और यही परंपरा का निर्वहन करते हुए यहां पर ऋषि कुमार पीएम का स्वागत करते हुए नजर आए। चलिए कुछ और खबरों को अब देखते हैं। नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों में टाइगर सफारी का खुमार देखने को मिल रहा है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो यहां पर कोर एरिया के सारे एंट्री टिकट पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि कोर एरिया में प्रतिदिन 99 वाहन सफारी के लिए जाते हैं और सभी वाहनों के टिकट बुक हो चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने पर्यटकों को एजेंट से सावधान रहने की अपील भी साथ ही साथ कर डाली है। कौन चल रहा साथ में? कोर एरिया तो आप मान लीजिए हमारा पूरा कई हफ्तों पहले बुक हो चुका था। मुझे नहीं लगता कि कोर एरिया में इन दिनों में कोई भी अनुज्ञा पत्रों की गुंजाइश है। बफर एरिया के हमारे अनुज्ञा पत्र जरूर उपलब्ध है। समाज के निगेटिव तत्व हैं जो पर्यटकों को बुकिंग के नाम पे गुमराह करते हैं और उन्हें गलत जगह की अनुज्ञा पत्र दे देते हैं या उनसे पैसे लेके अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो मैं पर्यटकों को ये बताना चाहूँगा कि आपको अनुज्ञा पत्र बुक करने के लिए किसी भी दलाल या मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ जंगल में घूमने वाले टाइगर को देखने के लिए लोगों का उत्साह आपने देखा कि कितना ज़्यादा बुकिंग फुल हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं जहां पर जंगल में घूमने वाले गजराज जो हैं वो रिहायशी इलाकों पर पहुंच रहे हैं और कितना नुकसान कर रहे हैं उसकी खबर आपको बताते हैं। हाथियों का उत्पात छत्तीसगढ़ में जारी है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है ये बलरामपुर की है जो हाथी प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है और यहाँ पर हाथी अक्सर उत्पात मचाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर कुल 13 हाथियों का दल जो है वो डेरा डाले हुए रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में इनका डेरा देखने को मिल रहा है। हाथियों ने हरिहरपुर छतावा गांव में फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों में अब हाथियों के चलते दहशत है, डर बना हुआ है कि हाथी कहीं रिहायशी इलाके में ना दाखिल हो जाएं, उनके घरों को ना नुकसान पहुंचा दें। इधर वन विभाग लोगों से जंगल में न जाने की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। पेंड्रा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तो दो हाथी ही मौजूद हैं और उनका कहर किस तरीके से बरपा है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पेंड्रा में मकानों को तोड़ दिया, हाथी रात होते ही जंगल से गांव की तरफ पहुँच रहे हैं। घुसरिया और पंडरी क्षेत्र में घूम रहे हाथी फसलों को रौंद रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं और मकानों को भी तोड़ दे रहे हैं। ऐसे में लोग यहाँ पर भी दहशत के साए में जी रहे हैं। और बड़ी खबर की बात करते हैं। अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बहुत करीब आ रही है और ऐसे में इसकी तैयारियां रायपुर में भी देखने को मिल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो होने जा रहा है इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर से अक्षत कलश निकाला गया है, घर घर ये अयोध्या जाने का निमंत्रण इस अक्षत के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है। पीले चावल जो हैं या अक्षत जिन्हें कहा जाता है निमंत्रण के लिए लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में होनी है।
मध्य प्रदेश में इस बार हनुमंतिया टापू जो है वहां जल महोत्सव की तैयारी चल रही है, लेकिन फिलहाल तारीख तय नहीं हो पाई है। हर साल वैसे तो 15 दिसंबर से जल महोत्सव का आयोजन यहां पर शुरू हो जाता है। इसमें देश विदेश से पर्यटक भी पहुंचते हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि टेंट सिटी तैयार हो गई है और 20 दिसंबर से इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागडोर चूंकि संभाली है, तो हनुवंतिया ही नहीं बल्कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले इसके प्रयास आगे और किए जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।